नमस्कार, मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सानवी एस्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पे। अभी हम लोग जो फ्लैट देखेंगे वो खूबसूरत नहीं, बहुत खूबसूरत है। इस फ्लैट का लोकेशन, इस फ्लैट का इंटीरियर और इस फ्लैट का वेंटिलेशन कमाल का। 3 BHK का फ्लैट है जो 100 गज में बना हुआ है, 2 साइड ओपन ये फ्लैट आपको मिलता है। इंडिपेंडेंट फ्लैट है, हर फ्लोर पे एक ही फ्लैट, दोनों तरफ आपको रोड मिल जाती है। इस बिल्डिंग में सिर्फ 4 फ्लैट है लिफ्ट और कार पार्किंग के साथ। इस फ्लैट की जो लोकेशन है वो मोहन गार्डन, द्वारका मोड़, उत्तम नगर, न्यू दिल्ली है। मेट्रो स्टेशन से तकरीबन 0.5 किलोमीटर की दूरी पे ये आपको फ्लैट मिल जाता है। बहुत ही खूबसूरत सराउंडिंग्स, बहुत कमाल का आउटस्टैंडिंग सराउंडिंग्स आप कह सकते हैं। घर से बाहर निकलते ही लोकल मार्केट है, स्कूल है, हॉस्पिटल्स है। द्वारका यहाँ से 0.5 किलोमीटर की दूरी पे स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे आपको मॉल भी मिल जाएगा। तो चलते हैं और देखते हैं अपने बिल्डिंग, अपने फ्लैट के सामने वाली रोड, फिर हम लोग आएंगे फ्लैट के अंदर और देखेंगे फ्लैट का पूरा व्यू। हम लोग आ चुके हैं अपने फ्लैट के अंदर। इस फ्लैट का जो फेसिंग है वो ईस्ट और वेस्ट है, सामने ईस्ट पड़ेगा और जब फ्लैट के बाहर निकलेंगे तो वेस्ट है। आशीष, एक बार डोर का डिज़ाइन दिखाइए। सबसे पहले मैं ये डिज़ाइन आपको दिखाता हूँ। जनरली इस तरह का जो डोर का डिज़ाइन है, हम लोग जो 2 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट होते हैं उसमें देते हैं। यहाँ पर हम लोग ने सेम डिज़ाइन यूज़ किया है डोर का, इस तरह से। ओवरव्यू की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ये हमारा ह्यूज एंड स्पेसियस ड्राइंग रूम है। 2 साइड ओपन, जैसा मैंने आपको बताया, हर फ्लोर पे एक ही फ्लैट है, दोनों तरफ आपको रोड मिलती है। यहाँ किचन है, इसके सामने रोड है, विंडो हम लोग ने दी है वेंटिलेशन के लिए। यहाँ फर्स्ट बेडरूम मिलता है, यहाँ भी वेंटिलेशन आपको मिल जाता है बैल्कनी से, क्योंकि इस रूम से आपको बैल्कनी भी मिलती है और हम लोग ने इसमें वार्डरोब भी दिया है। यहाँ लुकिंग ग्लास लगा के जो वॉश बेसिन है वो दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग के साथ कॉमन वॉशरूम मिलता है आपको। और इस तरफ आपको सेकेंड बेडरूम मिल जाते हैं, इसके साथ आपको बैल्कनी मिलती है। और यहाँ थर्ड बेडरूम आपको मिल जाता है, इसके साथ हम लोग ने विंडो दिया है। 100 स्क्वायर यार्ड का, 100 गज का 3 BHK फ्लैट, 2 साइड ओपन, ड्राइंग रूम में हम लोग खड़े हैं। इसमें जो हम लोग ने टाइल्स यूज की है वो डबल चार्ज की टाइल्स है, स्क्रैचलेस है, और इसकी जो शाइनिंग है वो बहुत ही अच्छी होती है। ऊपर का रिफ्लेक्शन भी आप नीचे देख पा रहे होंगे। और एक चीज़ मैं नोटिस करवाऊंगा कि हम लोग ने इसमें वॉलपेपर यूज़ नहीं किया है। बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन यहाँ पे बनाया गया है ड्राइंग रूम में। और एक बार आशीष, जो सोफ़ा का प्लेसमेंट है उसका जगह पूरा दिखाइए, यहाँ से पूरा स्पेस आपको मिलता है। आप जितना बड़ा ड्राइंग रूम में सोफा का प्लेसमेंट करना चाहते हैं उतना बड़ा कर सकते हैं, बहुत स्पेस। इनफैक्ट इधर हमारा ड्राइंग का जो स्पेस मिलता है, इधर आप सोफा लगा सकते हैं एल टाइप में, और इस तरफ किचन है तो यहाँ आपका डाइनिंग का स्पेस निकल जाएगा। तो डाइनिंग टेबल भी आप लगा सकते हैं और यहाँ आप इसको ड्राइंग भी बना सकते हैं। ये डिज़ाइन हम लोग ने दिया है। यहाँ अगेन आपको बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन मिल जाता है। जो AC की वायरिंग है स्प्लिट AC के लिए, वो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे करके दे रहे हैं। और इसके सामने इस तरफ बहुत ही खूबसूरत सा TV पैनल हम लोग ने बनाया है, इस तरह का आपको TV पैनल मिल जाता है। यहाँ इस तरह के 3 स्मॉल बॉक्सेस दिए गए हैं, जिसमें आप शोपीस या डेकोरेशन के लिए कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ आपका TV आ जाएगा। केबल की वायरिंग दीवार के अंदर ही करके दी गई है, जो यहाँ है। नीचे आपको 3 बॉक्स मिल जाते हैं स्टोरेज के लिए। इसमें जो हैंडल भी है वो हम लोग ने कॉपर का यूज़ किया है। और जब हमारा ये ड्राइंग रूम है तो इसमें फॉल सीलिंग की जो डिज़ाइन होगी वो ऑब्वियस है, बहुत ही खूबसूरत होगी, जो ये रही। Thank you.
यहाँ हम लोग ने वॉश बेसिन दिया है, इसके अंदर आपको स्टोरेज भी मिलता है। और यहाँ देने का ये रीज़न है, किचन यहाँ है, डाइनिंग टेबल आप यहाँ लगा सकते हैं। जब डाइनिंग टेबल आपने यहाँ लगा रखा है, लंच या डिनर करते हैं, तो हैंड वॉश के लिए यहाँ आपको वॉश बेसिन मिल जाता है। और बहुत अच्छा सा डिज़ाइन, एक बार दिखाएं आशीष, हमने लुकिंग ग्लास भी ऊपर लगा दिया है। इस तरह का आपको डिज़ाइन मिल रहा है। और जो ब्रांड हम लोग ने इसमें यूज़ किया है वो पेडीवेयर है। और इसके चारों तरफ हम लोग ने इस तरह से डेकोरेट करके आर्टिफिशियल ग्रास लगा करके सीनरी लगाई है। और इसी के साथ यहां कॉमन वॉशरूम मिल जाता है। कॉमन वॉशरूम में भी हम लोग ने एंटी स्किड टाइल्स यूज की है। मैं दिखाता हूं आपको, जो सीट है वॉल माउंटेड फ्लश जो है वो एकदम साइड में रखा गया है, इस तरफ आपको मिल जाता है। और जो बाथिंग के लिए यहां स्पेस मिलता है, इसमें डाइवर्टर हम लोग लगा के दे रहे हैं, एक ही टैप से हॉट एंड कोल्ड वाटर आएगा। एक जो दिल्ली जल बोर्ड का पानी आता है जिसको हम लोग मीठा पानी बोलते हैं, वो यहाँ से मिलेगा। और समरसिबल का पानी, दो तरह का पानी आपको मिल जाएगा। शावर यहाँ मिल जाता है आपको। और गीजर के लिए यहाँ पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ वॉश बेसिन आपको एक स्मॉल सा हम लोग ने लगा दिया है, और लुकिंग ग्लास भी लगा दिए हैं। वेंटिलेशन के लिए बड़ी सी आपको विंडो मिल जाती है। आशीष एक बार विंडो दिखाइए। वेंटिलेशन के लिए वॉशरूम में इस तरह का आपको विंडो मिल जाता है। अभी हम लोग ने यहाँ वॉशरूम देखा, बेडरूम हम लोग देखते हैं, फर्स्ट बेडरूम, जिससे आपको बैल्कनी भी मिल जाती है। यहाँ बीच में स्पेस हम लोग ने दिया है, जिसमें आप 6x6 का बेड लगा सकते हैं। फ्लोरिंग ऑलरेडी आपने जो ड्राइंग रूम में देखी है वही है। दो स्टोरेज के लिए यहाँ पे हम लोग ने वार्डरोब बनाया है, यहाँ भी स्पेस मिल जाता है। और ऊपर भी स्मॉल बॉक्स मिलते हैं, और इस तरफ भी आपको सेम स्पेस मिलता है। आप चाहें तो एक वार्डरोब को एज ए ड्रेसिंग भी यूज कर सकते हैं, आप मिरर लगा सकते हैं इसमें। और नीचे भी आपको स्लॉट्स मिल जा रहे हैं, यहाँ इस तरह के आपको स्लॉट्स मिलते हैं, और इस तरफ भी आपको बॉक्स मिल जा रहा है। इसी के साथ आपको अटैच वॉशरूम मिलता है, बट वो दिखाने से पहले मैं दिखाता हूँ। वेंटिलेशन के लिए हम लोग ने यहाँ पे इस तरह का विंडो लगाया है। अब इतनी बड़ी आपको विंडो मिल जाती है, ऊपर आप विंडो एसी लगा सकते हैं। और इसमें जो टीवी पैनल हम लोगों ने दिया है, उसका जो डिज़ाइन है थोड़ा अलग सा दिया है, थोड़ा स्टाइलिश बनाया गया है। इसको प्लेन रखा गया है, और जो स्टोरेज है वो ऊपर दिया गया है, यहाँ आपको स्टोरेज मिल जा रहा है। और इसी के साथ आपको बैल्कनी मिलती है। बैल्कनी भी काफ़ी खूबसूरत, उसमें हम लोग ने टफन ग्लास लगाया है। एक बार आशीष बैल्कनी दिखाइए। अभी आपने बैल्कनी देखी, आपको इसमें वेट एरिया भी मिल जाता है, आप अपना वॉशिंग मशीन भी लगा सकते हैं। और इसी के साथ अटैच वॉशरूम आपको यहाँ पे मिल जाता है। आशीष एक बार दिखाएं पूरा। यहाँ वॉश बेसिन हम लोग ने दिया है, उसके ऊपर लुकिंग ग्लास, एक बार दिखाएं, उसके ऊपर लुकिंग ग्लास आपको मिल जाता है। और यहाँ टैप मिलता है आपको डाइवर्टर के साथ, एक टैप से हॉट एंड कोल्ड वाटर आएगा, एक से दिल्ली जल बोर्ड का जो पानी है वो आएगा। वॉल माउंटेड हम लोग ने फ्लश लगाया है। और यहाँ नीचे सीट भी दिखाएं आशीष, नीचे सीट दिखाइए, इस तरह का सीट आपको मिल जाता है। ऊपर गीजर के लिए पॉइंट्स ऑलरेडी दिए गए हैं, और शावर यहाँ मिल जाता है। वेंटिलेशन के लिए इस तरफ आपको स्पेस मिलता है, और ऊपर की लाइट्स दिखाइए आप। रोशनी के लिए हम लोग ने इस तरह का ऊपर जो लाइट्स है वो यूज़ किया है। और इसी के साथ इस बेडरूम का जो मास्टर बेडरूम हमारा जो अभी हम लोग ने देखा है, इसकी मैं डिज़ाइन दिखाता हूँ फॉल्स लिंक की, जो इस बेडरूम की खूबसूरती को इन्हांस करता है, वो ये रहा।
अब देखते हैं कुकिंग का फेवरेट प्लेस किचन। बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन के साथ, स्पेस के साथ ये किचन बनाया गया है। आशीष, एक बार पूरा आप किचन दिखाइए, हम लोग ने इसमें पैंट्री भी दी है, आप एक बार नीचे से ऊपर तक पूरा किचन दिखाइए, फिर मैं डिस्क्रिप्शन देता हूँ। इस फ्लैट में दिखाने को बहुत है, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन देता हूँ। जैसे ही हम लोग किचन में एंट्री लेते हैं, यहाँ आपको एक स्टोरेज मिल जाता है, आप चाहें तो अपना जो फ्रिज है वो यहाँ रख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हम अंदर आते हैं तो यहाँ पर हम लोग ने पैंट्री दी है। आशीष, इस तरफ आके पैंट्री दिखाइए एक बार, इस तरह का स्टोरेज आपको मिल जाता है इसमें। स्लैब आपको एल टाइप में मिलता है, बहुत क्लीन काम इसमें किया गया है एकदम। जो आप साइनिंग भी अगर मैं दिखाऊं काउंटर की, एक बार दिखाइए आशीष, बहुत क्लीन आपको फील होगा। जो इसमें काउंटर हम लोग ने यूज़ किया है बहुत ही अच्छे क्वालिटी का। उसके बाद स्टोरेज की अगर बात करूं तो बहुत सारे स्टोरेज, शायद सामान कम पड़ जाएगा इसमें रखने के लिए। ये देखिए इतने सारे स्टोरेज यहाँ पे मिल रहे हैं, और इस सब में हम लोग ने सॉफ्ट क्लोज चैनल यूज़ किया है। अगर आप बहुत तेज से भी पुश करेंगे तब भी बहुत आराम से जाएगा। ये सारे स्पेस आपको मिलते हैं, नीचे भी स्पेस मिल रहा है आपको, बहुत सारे कैबिनेट्स क्योंकि किचन बहुत बड़ा है। ये देखिए ये सारे कैबिनेट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, और यहाँ भी फिर आपको स्पेस मिल रहा है बड़े कंटेनर के लिए। इस तरफ भी आपको स्पेस मिल जा रहा है, और यहाँ भी आपको स्पेस मिलता है। किचन में जितने किचन से रिलेटेड स्टफ होते हैं उसमें सामान रखने की कमी आपको बिल्कुल नहीं खलने वाली। और यहाँ भी बड़ा सा कैबिनेट दिया गया है, इस तरह भी स्पेस मिलता है। हम लोग ने यहाँ सिंक लगा दिया है, जो टैप है वो पेरिवेयर ब्रांड का है। दो आपको इसमें ट्रे मिल जाते हैं फ्रूट और वेजिटेबल क्लीन करने के लिए। उसके बाद एक टैप हम लोग ने इसमें जल बोर्ड का भी लगाया है। पानी दो तरह के मिल जाएंगे आपको, एक समरसेवर का और एक आपको मिल जाएगा जल बोर्ड का पानी। यहाँ पे आप अपना आरओ या गीजर लगा सकते हैं। और किचन में जो मेन बात होती है वो वेंटिलेशन की होती है, तो यहाँ बड़ी सी आपको विंडो मिल जाती है, आप ऊपर चाहें तो एग्जॉस्ट भी लगा सकते हैं। हालांकि हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक चिमनी यहाँ पे दी है, थोड़ा क्लोज करिए आशीष, इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक चिमनी आपको मिल जाता है। और स्पेस की अगर बात करूं तो यहाँ देखिए इस तरह का डिज़ाइन हम लोग ने यूज़ किया है, इसके अंदर भी आपको स्पेस मिल जा रहा है और इस तरफ भी आपको स्पेस मिलता है। किचन में जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको रखने के लिए जगह बिल्कुल कम नहीं पड़ने वाली, और यहाँ भी आपको स्पेस मिलता है, और यहाँ भी स्टोरेज के लिए स्पेस दिया गया है। ऊपर का जो डिज़ाइन है इस किचन का वो हम लोग ने ऐसा दिया है, इसमें एक फैंसी लाइट भी हम लोग ने लगा दी है। और इसका जो आउटर लुक है जो आशीष ने भी आपको दिखाया है वो भी बहुत खूबसूरत रखा गया है। अब यहाँ से मैं आपको सीधे लिए चलूँगा अपने सेकेंड बेडरूम में। सेकेंड बेडरूम में भी आपको बड़ा सा वार्डरोब मिलता है, और इसके साथ भी आपको बैल्कनी की एंट्री मिल जाती है। इंडिपेंडेंट फ्लैट 3BHK का, जिसका यूजेबल एरिया 100 गज मिलता है, दोनों तरफ आपको रोड मिलती है। यहाँ पर हम लोग ने इस तरह का 3D लुक में वॉलपेपर यूज किया है। इस तरफ आपको विंडो मिल जाता है, बड़ी सी विंडो मिलती है नीचे से ऊपर तक, यहाँ आप विंडो एसी लगा सकते हैं और ये वेंटिलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहीं से आपको बैल्कनी की एंट्री मिलती है, बट ये दिखाने से पहले मैं दिखाता हूँ, यहाँ इतना बड़ा आपको वार्डरोब मिलता है। आप देखिए कितना बड़ा वार्डरोब है, स्पेस भी आपको मैं दिखाता हूँ, इस तरह का स्पेस आपको मिल जाता है। और यहाँ भी सेम स्पेस आपको मिलता है, इसके अंदर आपको कैबिनेट्स भी मिल जाते हैं। और इस बेडरूम को खूबसूरत बनाने के लिए हम लोग ने बहुत डिसेंट सा
फॉल सीलिंग की डिजाइन बनाई है। आशीष वो दिखाइए और उसके बाद यहाँ से जो हमने बैल्कनी दी है वो दिखाइएगा। अब देखते हैं अपना थर्ड बेडरूम। इसके साथ में ही थर्ड बेडरूम मिलता है जो ये रहा। इसमें भी वेट्रीफाइड टाइल्स की फ्लोरिंग मिलती है। डिजाइन हम लोग ने इस तरह का दिया है। हाफ वॉल में अलग डिजाइन मिलता है आपको और उसके ऊपर जो हाफ वॉल है उसका डिजाइन अलग आपको मिलता है। और एक बार टीवी पैनल दिखाइए, एक अलग सा टीवी पैनल, एक अलग सा डिजाइन देखिए आप। इस तरह का स्टोन लुक में अलग अलग स्लॉट्स यहाँ पे बनाए गए हैं, हालांकि वुडन के हैं, और बीच में आप अपना जो टीवी है, जो एलईडी है, जो एलसीडी आप यूज़ करते हैं वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद वेंटिलेशन के लिए यहाँ आपको विंडो मिल जाता है और ऊपर आप विंडो एसी लगा सकते हैं। और इसमें भी खूबसूरत सा फॉल सीलिंग का डिज़ाइन दिया गया है जो ये रहा। अगर इस फ्लैट की हाइलाइट्स की बात करूं तो 100 गज का इंडिपेंडेंट फ्लैट, टू साइड ओपन, दोनों तरफ आपको रोड मिल जाती है, दो बैल्कनी मिलता है, तीन बेडरूम के साथ, दो वॉशरूम के साथ, एक मॉड्यूलर किचन के साथ ये फ्लैट है। लोकेशन मोहन गार्डन, द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से तकरीबन आधी किलोमीटर की दूरी पे, द्वारका से भी आधी किलोमीटर की दूरी पे। आसपास की जो सराउंडिंग्स है वो बहुत ही अच्छी, मार्केट आपको अच्छे मिल जाएंगे, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारे आपके फ्लैट के एक किलोमीटर के सराउंडिंग्स में मिल जाएंगे। लोकल मार्केट तो घर से बाहर जैसे ही निकलिएगा तो लोकल मार्केट स्टार्ट हो जाता है। अगर आप मेट्रो तक वॉकिंग जाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर शौक रखते हैं वॉकिंग का। और अगर नहीं तो घर के बाहर ही आपको ई रिक्शा मिल जाएगा जो 10 रुपया लेंगे और आपको मेट्रो स्टेशन तक ड्रॉप कर देंगे। अगर आप घर खरीदने की इच्छा रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के फ्लैट हमारे चैनल पे रेगुलर अपलोड होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं इस फ्लैट के रिगार्डिंग तो नीचे कस्टमर केयर का नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप फ़ोन करें या जो हमारी वेबसाइट है sanvestry.com, आप वहाँ जाएँ। आप हमसे जुड़े भी रह सकते हैं हमारे सोशल साइट पर, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी आपको सानवी एस्टेट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, दीजिए मुझे इजाज़त, हम आपसे मिलेंगे अपने एक नए फ्लैट में नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, ऑफकोर्स आप ही सानवी एस्टेट है और आप ही से सानवी एस्टेट है। आपने इस फ्लैट को देखने के लिए इतना टाइम दिया, इसके लिए आपका दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।